नमस्कार, मैं हूं नीरज उपाध्याय। आप देख रहे हैं प्रकाश प्रभाव न्यूज। लॉकडाउन को लेकर जहां पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अपना अलग अलग चेहरा दिखा रही है, लोगों के साथ सहानुभूति की भावना पेश कर रही है, तो वहीं आजमगढ़ पुलिस में पुलिस वालों का कुछ अमानवीय चेहरा नजर आया। आपको बता दें कि आजमगढ़ के दलाल घाट क्षेत्र में एक पत्रकार के साथ पुलिस ने अभद्र व्यवहार किया। कवरेज के दौरान जाते समय पुलिस ने उसे रोक करके बुरी तरीके से पीटा और उसका कैमरा छीनने की भी कोशिश की, जिसकी सूचना जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष आशुतोष द्विवेदी को दी गई। हालांकि इस मामले में डीआईजी ने तत्काल प्रभाव से उक्त सिपाही को निलंबित कर दिया है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब पत्रकार जिस तरीके से लोगों के बीच में जा कर के सूचनाओं को एकत्रित कर रहा है, ऐसे पत्रकार के साथ इस तरीके का अमानवीय व्यवहार पुलिस विभाग को कहीं न कहीं शर्मसार करने वाली है। कवरेज करने के लिए निकलता हूँ। आज दो तीन पुलिस वाले थे, जिसमें शिवपाल सिंह, संजीव कुमार और मनोज शर्मा, ये तीन लोग थे। गाड़ी मेरी रुकवाए, हमें गाड़ी रोक दी, जिसमें से एक भाई साहब थे जो मुझको जानते हैं। मैं उनसे पूछा कि भाई साहब, आप लोग तो सब जानते हैं, अभी आज तक मेरी गाड़ी रुकी नहीं है, आप लोग जानते हैं कि मैं क्या काम कर रहा हूँ। आज पहली बार गाड़ी रुकी, मैं उसी तरह से पूछा, तो जिसमें से संजीव कुमार जो है मेरे पीछे खड़े होकर मेरी गाड़ी का फ़ोटो खींचने लगे। तो मुझको लगा कि ये मेरी गाड़ी का चालान काट रहे हैं, तो मैं भी उतर कर तुरंत कैमरा मैन निकाला और फ़ोटो खींचने लगा। जैसे ही मैं फ़ोटो खींचने के लिए कैमरा ऊपर किया ही था, उसी समय शिवपाल सिंह जो है गर्दन पकड़ कर मेरा किनारे ले गए और मुझको डंडे से काफ़ी मारे और भरी भरी गालियाँ दिए। जिसमें से मैंने जब बताया कि मैं प्रेस से हूँ, आप देख भी रहे हैं कि मेरे पास कैमरा आगे मैं लटका कर मैं चलता हूँ, आगे कैमरा देख रहे हैं, पीछे भी प्रेस लिखा हुआ, आगे भी प्रेस लिखा हुआ है, उसके बावजूद ये जो है कि मुझको गाली दिए। और जब मैं प्रेस बताया तो कहे कि क्या कर लीजिए, क्या उखाड़ लीजिए। मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ की जिलाधिकारी, कमिश्नर से ये मांग करता हूँ कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, FIR हो और मेरा मेट्रो मुआयना किया जाए।